पंचकुला सेक्टर 19 के वार्ड पार्षद हरिंदर मलिक पहुंचे नागरिक अस्पताल। होमगार्ड जवान से मिलकर जाना हाल, हर संभव मदद का दिलाया आश्वासन। बता दे, होमगार्ड जवान ने 29 जुलाई को जहरीला पदार्थ निगल लिया था। इस होमगार्ड जवान ने कुछ अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। हालांकि इस पूरे मामले को हमारी टीम के द्वारा गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज के संज्ञान में लाया गया था, जिन्होंने मामले के तुरंत एक्शन लेते हुए डीजीपी को फोन कर मामले की जांच के आदेश दिए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होमगार्ड जवान को पंचकुला सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इसका इलाज चल रहा है। हालांकि अब होमगार्ड जवान की हालत काफी ठीक बताई जा रही है। दरअसल होमगार्ड जवान का आरोप है कि 17 जुलाई को जब वह माजरी चौक में ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी कर रहा था, इस दौरान ट्रैफिक लाइट खराब थी, जिससे उसने हाथ से सैफी को रुकने का इशारा किया, लेकिन एक गाड़ी चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और आगे ले आया, जिससे एक महिला उतरी। उसने होमगार्ड जवान के साथ बदसलूकी की और बाद में उस महिला ने इस जवान को लिखित शिकायत भी सेक्टर 5 के थाने में दी। इस जवान का आरोप है कि पंचकुला के अधिकारियों द्वारा उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। लेकिन आप एक होमगार्ड जवान की हालत स्थिर है और पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आज सेक्टर 19 के वार्ड पार्षद हरिंदर मलिक होमगार्ड जवान से मिलने पहुंचे, उसे भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद उनको उनकी तरफ से की जाएगी।